हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम वो चीज़ दिखाने वाले हैं जो कि हमारे इधर पूर्वजों ने बहुत सारे इधर लगाते थे और वह उसे खाए भी जाते थे, तो आजकल बहुत कम लगाए जाते हैं। वो चीज़ है क्या? तो चलिए आप सभी को दिखाते हैं वो चीज़ है क्या। ठीक है, तो दोस्तों उस चीज़ का नाम है मड़वा, और अलग अलग भाषा से अलग अलग नाम में जाने जाते हैं। तो चलिए आप सभी को दिखाते हैं मड़वा किस तरीके से रहता है, उसे खाए भी जाते हैं, बहुत चीज़ उसका बनता है, वो नेचुरल चीज़ है, आयुर्वेदिक भी है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आप सभी को फटाफट से। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से रहता है मड़वा, मड़वा का पेड़ या गाछ कह सकते हैं आप लोग, इस तरीके से इसे लगाए जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से इसका होता है मड़वा, और इसमें चावल निकलता है छोटा छोटा। ठीक है, और इसे सुखा के मशीन में पीसना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए इस तरीके से मड़वा रहता है। हम लोग का इधर यही नाम से जाने जाते हैं, मड़वा के नाम से। ठीक है, तो काफ़ी सारे लगाए हुए हैं और काफ़ी सारे ही हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हमारे इधर कोदिया के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, दोस्तों इस तरीके से हो जाते हैं। इसके बाद इसे काट दिया जाता है, इसके बाद धूप में रख के सुखाए जाते हैं। ठीक है, अब इसे खाना भी बना के खा सकते हैं, और इसमें खाद नहीं दिया जाता है, बिना खाद का है ये, और काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। काफ़ी सारे नहीं पके हुए हैं और काफ़ी सारे लाल हो चुका है। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, आप सभी को ऐसे ही जानकारियाँ मिलते रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।